नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए इमरती देवी ने आमजन के स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देते हुए जिस बिलोवा क्रेशर मार्केट को बंद करवाया था, मंत्री उसी क्रेशर मार्केट पर शासकीय सर्वे नंबरों पर हो रहे अवैध उत्खनन की बात कर विवादित बोल बोल रही है। मंत्री ने कहा कि शासकीय सर्वे नंबरों पर उत्खनन बिल्कुल बंद नहीं होगा। यहाँ के कई लोग इस खनन से पल रहे हैं। हमने जब उत्खनन बंद कराया था तो सभी लोग हमारे यहाँ पहुँच गए थे और उत्खनन चालू कराने की गुहार लगाई थी, इसलिए अभी अवैध उत्खनन बिल्कुल बंद नहीं होगा। ये इमरती देवी वही है जिन्होंने हाल ही में सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने भी निशाना साधा। ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने मंत्री के विवादित बोल पर कहा कि पहले मंत्री कांग्रेस में थी तो वे अवैध उत्खनन का विरोध कर रही थी, लेकिन अब वे ऐसी पार्टी में है जो अवैध उत्खनन के लिए जानी जाती है। मंत्री जी अब भाजपा में है और ये वही भाजपा है जिसने मां नर्मदा का सीना अवैध उत्खनन से छलनी करके रख दिया है कि उनकी पार्टी की रीति और नीति में शामिल है। गौरतलब है कि 10 जून 2020 को बिलोवा क्रेशर मार्केट में देव क्रेशर स्टोन पर काम करने वाले बिलोवा के एक मजदूर की ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई थी, जिसके परिवार को सांत्वना देने बिलोवा पहुंची थी। वहीं पर शासकीय सर्वे नंबरों पर हो रहे अवैध उत्खनन पर किए गए सवाल पर मंत्री ने यह बयान दिया था। मामले में हम कछु नहीं करेंगे, क्यों कि जे खनन चल रहा है तो इस क्षेत्र की जनता को मजदूरी मिल रही, काऊ को ड्राइवरी मिल रही, काऊ के ट्रैक्टर लगे कोई वहाँ मजूरी कर रहा हो। हमने एक बार बंद करा, लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने हमें बुरी तरह से घेर के कही कि जो क्रेशर बंद कराओगे तो हम भूखन मर जाएंगे। इसलिए हम जनता के जो गरीब जनता है उसके दुख में भी शामिल रहते हैं। शहर की बात नहीं है कि इमरती देवी जी ने ऐसा कहा है कि जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको वो नहीं रोकेंगी। अब वो जिस पार्टी में हैं ये वही पार्टी है और ये उसी पार्टी की सरकार थी जब पूरे मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की छाती को छलनी छलनी किया गया, कई हजार करोड़ रुपए का अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में हुआ। और मुझे लगता है आपको ज़रूर आपके संज्ञान में ये विषय होगा कि जब इमरती देवी जी कांग्रेस में थी, ये वही इमरती देवी थी जिन्होंने ये कहा था कि अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे। अब वो जिस पार्टी में है तो उस पार्टी की नीति के हिसाब से और रीति के हिसाब से चलेंगी। वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। दूसरी बात, जो बिलौआ खनन क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेताओं के क्रैशर हैं। वहाँ पर सारे नेता जो हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के हों वो वहाँ पर लगातार उत्खनन में सक्रिय रहते हैं। कई बार कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि टास्क फोर्स बनाएंगे और विधायक जी ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं वो कह रही हैं कि यहाँ पर हम उत्खनन नहीं रोक पाएंगे, तो क्या टकराव बनता है इससे? देखिए, किसी भी नेता का व्यवसाय करने को मैं व्यक्तिगत रूप से बुरा नहीं मानता, पर अपने वर्चस्व का प्रभाव करके अनैतिक काम करने को मैं बुरा मानता हूँ। जहाँ तक बात है, ग्वालियर कलेक्टर ने कहा है कि वो इल्लीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। मुझे नहीं लगता, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार इतना हावी है कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो गुलामों की तरह काम कर रही है और उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे और जनता को न्याय